हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ नवरात्र स्पेशल व्रत की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। आज हम बनाएंगे लच्छेदार आलू की सब्जी, जो एकदम से डिफरेंट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हम छील लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को आल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने सभी आलूओं को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद में इनको ऐसे ही नहीं रखना है, वरना ये काले हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमने सभी आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हमने मोटे साइज़ में इनको ग्रेट किया है, आप बारीक भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से इनको ग्रेट कर लें। और इसको हमने तुरंत पानी के अंदर डाल दिया है, ताकि ये काला ना हो और इससे अच्छे से ये बनकर तैयार हो और इसके अंदर का जो स्टार्च होता है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। हमने इसके पानी को अच्छे से निकाल दिया है, ताकि हल्के से ड्राई हो जाए। अब इनकी हम सब्जी बनाते हैं। अब एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। हमने यहाँ मूंगफली के तेल का यूज़ किया है, या तो आप घी या फिर मूंगफली के तेल का ही यूज़ करें, क्योंकि फास्ट में यही तेल खाया जाता है। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच सौंफ डाली है। काफ़ी लोग जीरा नहीं खाते फास्ट में, इसलिए हमने इसकी जगह सौंफ डाल दी है। 7 से 8 इसके अंदर हमने करी पत्ता डाले हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हल्का सा चटकने के बाद में इसके अंदर हम 1/4 कप मूंगफली के दाने डालेंगे। इनकी मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 रफली कट की हुई हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी हो तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। उसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। गैस को हमने एकदम से लो कर दिया है। तेल के अंदर हरी मिर्च हल्की सी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। हम 2 टमाटर का यूज़ करेंगे, पर अभी इसके अंदर हमने 1 ही कट करके डाला है, बाकी हम बाद में डालेंगे। उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप टमाटर को इसके अंदर पीस कर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसे 1 से 2 बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हल्का सा पका लेंगे। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाने के बाद में इसके अंदर हम आलू के लच्छों को डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आलू के लच्छे डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप फास्ट में प्याज और अदरक खाना भी पसंद करते हैं, तो आप उसको भी इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। गैस को हमने एकदम से लो कर रखा है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे हम थोड़ी देर के लिए तेल के अंदर पकने देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर 1 चम्मच काला नमक डाला है। 1.5 चम्मच के लगभग इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है। ये घर की पिसी हुई है, आप व्रत के लिए मार्केट वाली लाल मिर्च का यूज़ ना करें। लाल मिर्च को आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। बिना लाल मिर्च के भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। 1/2 चम्मच इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप इसके अंदर सभी मसालों की मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी रेसिपी या राजस्थानी रेसिपी या व्रत रेसिपी देखना चाहते हैं, तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सूखी सब्जी बना रहे हैं। आप इसके अंदर अगर पानी डालना चाहते हैं तो आप इसी टाइम डाल सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर बाद में इसे हम ज़रूर चेक कर लेंगे, एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है तो तले में भी चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है। 1 से 2 बार इसे ज़रूर चला लें, ताकि ये तले में चिपके नहीं। अब इसे हम और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1/2 कप मूंगफली का पाउडर डालेंगे। इसकी मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ भुनी हुई मूंगफली का पाउडर का यूज़ किया है, और साथ ही इसके अंदर हम टमाटर को भी ऐड कर देंगे इसी टाइम। अब इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में अब इसे हम ढककर पकाएंगे। गैस को एकदम से लो कर देंगे। अगर आप आलू को हल्का सा क्रंची रखना चाहते हैं, तो इसे बीच बीच में ज़रूर चेक कर लें, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से रख सकते हैं। सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। कसूरी मेथी डालने के बाद में इसके अंदर हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। ये घर का बना हुआ है, आप व्रत के अंदर मार्केट वाला यूज़ ना करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसकी जगह नींबू का यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारी सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ये सर्व होने के लिए एकदम से तैयार है।
लो जी, हमारी आलू की लच्छेदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप किसी भी व्रत में आसानी से बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे दही के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।